कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। इस घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कोरोना ने एक एक कर घर की 5 जिंदगियों को लील लिया है, वो भी मात्र 15 दिन के भीतर। पहले बुजुर्ग पति पत्नी की मौत हुई, फिर उनके 2 बेटों और एक बहू को कातिल कोरोना ने मौत की नींद सुला दिया। अब इस घर में एक महिला और दोनों भाई के 5 बच्चे ही बचे हैं। परिवार में सबसे पहले मेरे पति की तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उनको मतलब इलाज घर में दी, लेकिन इलाज अवेलेबल नहीं था। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण बालाघाट लेके गए सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ भी कोई उनको इलाज नहीं मिल पाया। और प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहे, लेकिन उन्होंने सख्त मना कर दिया। जब तक बोले सीटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे। लेकिन एक रात निकाला, उनके लिए बहुत भारी गया। सुबह तक जब उसकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई, तब तक उन्होंने रिपोर्ट आने के पहले समझो। कैसा क्या हुआ पूरे परिवार के साथ? लगातार कितने दिन में आप लोगों कितने लोगों को खो गया? 15 दिनों में मैं 5 लोगों की अंत्येष्टि खुद अपने हाथों से की हूँ। और ना कोई बाहर से सहायता मिली मुझे, ना शासन से कोई सहायता, बस बार बार लोग बता रहे कि ऐसा होता है वैसा होता है। बालाघाट के बोनकट्टा गाँव में अब इन बच्चों का कोई नहीं। जिस उम्र में माँ बाप का साया सर पर होना सबसे जरूरी है, उस उम्र में ये बच्चे अनाथ हो गए। बच्चे सरकार से अब गुहार लगा रहे, मदद की भीख मांग रहे, क्योंकि अब इस घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा है। अब ये है कि हमारे घर की हालत स्थिति थोड़ी खराब है, कि हमारे दोनों मतलब मेरे पिताजी और मतलब चाचा दोनों नहीं है, तो वही घर में संभालने वाले बस अब मेरी मम्मी बची और बाकी जो 5 बच्चे हैं पापा के, मतलब हम 3 भाई और मैं और मतलब दोनों बच्चे उनके। तो अब वही हम मेरी वही अपील है कि मतलब शासन से कि हमारी मदद करें। हमारी आर्थिक स्थिति अभी कमज़ोर हो चुकी है, तो मेरे वही निवेदन है कि मैं आगे की हमारी स्थिति संभल सके, इसलिए शासन से मैं सहायता मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। कोरोना महामारी ना जाने कितने परिवार उजाड़ दिए, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, लेकिन अब ऐसे परिवारों को सहारे की ज़रूरत है, चाहे वो सरकार दे या फिर स्वयंसेवी संस्था। बालाघाट से अतुल वैद्य की रिपोर्ट, MP तक।